मेरा सवाल ये है हम किस तरह मुताना करने के आदत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि, किसी भी काम करने के लिए पुख्ता इरादा होना चाहिए आप अपना टाइम टेबल बनाएं पहले तो एक दिन एक दिन अपना ये टाइम ये बनाएं पहले दिन एक हफ़्ते के लिए ये देखें कि जो कुछ आपने काम किया है ना सुबह सो के जागने से ले रात सोने तक उसको लिखते जाएं, हैं जो भी काम किया वो लिखते जाएँ गुस्लखाने गए हैं वज़ू करने गए हैं टॉयलेट गए हैं हर एक का वक्त लिखते जाएं, सुबह से शाम तक हैं एक हफ़्ता इस तरह अपने सारी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी ना दिन की उनको नोट करते जाएं, ठीक फिर देखें ठीक। फिर देखें कि इस सारे जो मैंने नोट किया है इसमें कितना वक्त मैंने ज़ाया किया और कितना वक्त मैंने काम में लगाया ठीक है कितना वक्त ऐसा था ज़रूरियात के लिए ज़रूरी था और कितना वक्त ऐसा था जो ज़रूरियात के नाम पे मैंने बिला वजह ज़ाया किया उसका एनालिसिस करें ठीक उसके जब हो जाएगा एक हफ़्ते का फिर अगले हफ्ते के लिए एक टाइम टेबल बनाएँ कि अब मैंने ये देख लिया कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं जो दिन को मैंने देखी और मेरी जो 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 अच्छाइयाँ थीं वो क्या हैं दिन गुजारने की वक्त को सही इस्तेमाल करने की फिर उसके मुताबिक अपना टाइम टेबल बनाएँ एक हफ़्ता अब एक हफ़्ता उसको बनाएँ टाइम टेबल को देखें इतने बड़े मैंने जागना है और तहजद के नफल पढ़ने हैं फिर फजर की नमाज़ पढ़नी है कुरान करीम की तलावत करनी है अगर आप सही वक्त को इस्तेमाल करना चाहें तो आप सुबह भी मसलन तो तजत के नफल के लिए अगर आप उठते हैं उससे ले कर और फजर की नमाज़ के दरमियान तक वक्फा जो मिलता है ऐसा बज दफ़ा उसमें नफल का वक्त ख़त्म हो जाता है और नमाज का वक्त अभी जमात जमात का रहता है उसमें आप कुरान करीम पढ़ सकते हैं या कोई तस्वीर का मतलब कर सकते हैं ठीक है तो उसको अगर सही इस्तेमाल करें फिर कुर करीम की तलावत करनी है फिर जामिया जाना है या अगर उससे पहले सोने का वक्त है तो सो ली रेस्ट कर लिया फिर जामिया जाने की तैयारी कर ली जामिया गए पढ़ाई की पढ़ाई ख़त्म हुई स्टडी टाइम जामिया का हुआ खेलों का टाइम हुआ रात का खाना हुआ रात को स्टडी टाइम हुआ वो सारा कुछ देख बनाएँ अपना टाइम टेबल जो जामिया का कंपलसरी टाइम टेबल है उसको भी अपने अपने टाइम टेबल में शामिल करें और अपना ख़ुद वॉल्टियर टाइम टेबल जो आप बना रहे हैं वो भी करें ठीक है और फिर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने मुताले के लिए कितना वक्त रखा हुआ है और कितना मुताल करना है।